नर्मदा मालिनी से जुड़ा एक शॉकिंग राज छिपा रही है जिसका खुलासा होगा बहुत जल्द चीनी के सामने। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली शो इमली की कहानी में अब आप देखने वाले हैं हाई वोल्टेज ड्रामा। ये बात सभी को बहुत खटक रही है कि आखिर नर्मदा मीठी इमली से इतनी नफरत और चीनी से इतना प्यार क्यों करती हैं? क्योंकि मीठी इमली तो आर्यन और इमली यानी कि नर्मदा के अपने बेटे बहू की बेटी है और चीनी मालिनी और आदित्य की बेटी है, तो फिर चीनी से इतना लगाव और मीठी इमली से इतनी कड़वाहट क्यों है नर्मदा को? ये एक सवालिया निशान है। बहुत जल्द होगा इसका खुलासा। अब तक तो हम समझ रहे थे कि नर्मदा मीठी इमली को वजह मानती है इमली और आर्यन की डेथ की, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। मालिनी से जुड़ा एक राज खुलने वाला है। मालिनी और नर्मदा के बीच आखिरी उन चंद पलों में क्या हुआ था, ये बात अब निकल कर सामने आएगी। बॉम्ब ब्लास्ट तो मालिनी ने ही प्लान किया था और वो बहुत अच्छे से जानती थी कि जहां उसने बॉम्ब रखा है उससे खतरा मालिनी को भी हो सकता है। तो ऐसे में मालिनी उस वक्त बॉम्ब ब्लास्ट से दूर हट गई थी, तो फिर उसकी मौत कैसे हुई? अब यही है अपने आप में मिस्ट्री। आपको बता दें कि नर्मदा को मालिनी की इस हरकत के बारे में चल गया था पता और उसने जानबूझकर मालिनी को भी उस ओर ही धक्का दे दिया था जहां पर उसने बॉम्ब प्लांट किया है। लेकिन इससे पहले कि वो आर्यन और इमली को बचा पाए, ये बॉम्ब अचानक से फट गया और नर्मदा अपने बेटे बहू को नहीं बचा पाई। पर अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब चीनी को इस बारे में पता चलेगा कि उसकी माँ को नर्मदा ने ही जान से मारा है, तो क्या कुछ नया होता है। चीनी अब इस कहानी की सबसे बड़ी विलन साबित होने वाली है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। कौन सा नया मोड़ लेती है सीरियल इमली की कहानी, जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार बाकी है।